कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। कैंपेन के आखिरी समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेंगलुरु में 2 दिन का रोड शो शुरू हो चुका है। ऐसा पहली बार है जब पहले दिन प्रधानमंत्री 26 किलोमीटर लंबा रोड शो कर रहे हैं। ये करीब 4.5 घंटे में पूरा होगा। रोड शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भाजपा समर्थकों ने प्रधानमंत्री पर फूल बरसाए हैं। प्रधानमंत्री का रोड शो दोपहर 2:30 बजे ब्रिगेड रोड के युद्ध स्मारक पर समाप्त होगा। पार्टी ने रोड शो का नाम नम्मा बेंगलुरु नम्मा हेम यानी कि हमारा बेंगलुरु हमारा गौरव रखा है। इसके बाद प्रधानमंत्री 3 बजे बादामी और 5 बजे हावेरी में भी रैली करेंगे। बता दें कि 29 अप्रैल को पीएम मोदी ने बेंगलुरु में पहला रोड शो किया था। प्रधानमंत्री कल भी बेंगलुरु में ही करीब 10.6 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। इससे पहले प्रधानमंत्री का 36.6 किलोमीटर का रोड शो एक ही दिन में होना था, लेकिन बेंगलुरु की ट्रैफिक व्यवस्था को देखते हुए इसे 2 दिन का कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री शोभा कनंदलांजे ने बताया कि यह रोड शो शहर के 28 में से 19 विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगा। प्रधानमंत्री मोदी रोड शो के बाद शाम को बादामी और हावेरी में भी जनसभा करेंगे। इसके अगले दिन यानी रविवार शाम नंजनगुड़ में श्री कांतेश्वर के प्रसिद्ध मंदिर में दर्शन और पूजा के साथ अपना प्रचार खत्म करेंगे। मोदी 29 व 30 अप्रैल 2 और 3 और 5 मई तक 14 से ज्यादा जनसभा और रोड शो कर चुके हैं। 6 और 7 मई की जनसभा और रैली मिलाकर वे कुल 16 से ज्यादा रैली कर लेंगे। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवदेश टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवदेश टीवी।